आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। इस समय में दूध पीने को लेकर के दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने हैं, जिनको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, जिनका उत्तर मैं यहाँ देना चाहता हूँ। पहला सवाल है कि दूध कच्चा पीना चाहिए या गर्म दूध पीना चाहिए, किससे ज़्यादा लाभ मिलेगा और किससे होगा नुकसान, पहली बात। दूसरा सवाल है कि दूध सुबह पीना चाहिए या दूध शाम को पीना चाहिए, और दूध के साथ क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने हैं, जिनका उत्तर मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों सवालों का जो उत्तर मैं दे रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में पालन करेंगे, ताकि आपको दूध किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए और दूध का जो आप वांछित लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ आपको अच्छे से मिल सके या आपके बच्चों का अच्छे से पोषण हो सके। पहली बात, दूध एक पौष्टिक भोजन है जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फैटी एसिड प्रदान करता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको डाइट में शामिल करने पर जोर देते हैं। इसके सेवन से आपकी हड्डियां और मसल्स मजबूत होते हैं, साथ ही आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में भी सुधार करता है दूध। कुछ लोग दूध कच्चा ही पीते हैं, और ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि ये दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद है या नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे गांव से भी जुड़े हुए हैं जिनके पास में अपना पशुधन है, गायें हैं, तो शुद्ध देशी गाय का यदि दूध हमें सवेरे सवेरे मिलता है कि वो इधर निकाला और इधर पी लिया, तो वो दूध बहुत पौष्टिक होगा, और उस दूध से तो मतलब कैंसर के पेशेंट्स भी उस दूध का सेवन करेंगे तो उनको लाभ होगा। वो दूध आपके यदि पेट में किसी भी प्रकार का एसिडिटी वगैरह है तो उसको भी खत्म करने में मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सवेरे सवेरे जो दूध है, यदि देशी गाय है आपके पास में, तो इधर निकाला इधर पी लिया, 5 मिनट की भी देर नहीं करनी, वो जो गर्मा गर्म दूध निकलता है माँ के थान से, गाय के थान से, वो दूध आपके लिए माँ के दूध के बराबर है। दूध में इम्यूनोग्लोबिन, लाइसोजाइम और लैक्टोपरोक्सीडेज जैसे रोगाणुरोधी तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हानिकारक रोगाणुओं को नियंत्रित करते हैं और दूध को खराब होने से बचाते हैं। दूसरा, कच्चे दूध को अस्थमा, एक्जिमा और एलर्जी के कम जोखिम से जोड़ा गया है। कई शोध, बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज में इस बात की पुष्टि हुई है कि कच्चे दूध में गरम या उबाले हुए दूध से ज्यादा पोषक तत्व और गुण होते हैं। कच्चा दूध उबलते हुए दूध की तुलना में जल्दी पच जाता है। इसका सेवन करने से एलर्जी और एसिडिटी आदि की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। तो कच्चे दूध का सेवन उस कंडीशन में करना चाहिए जिस कंडीशन में यदि आपके पास पशुधन हो या आपके आसपास में कोई गौशाला हो जहां पर दूध निकलता हो, तो तुरंत इधर दूध निकाला और इधर पी लिया तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहां तक रहा सवाल गर्म दूध का, पॉस्चराइज्ड दूध का, तो गर्म दूध के सेवन में बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। पहली बात, दूध के साथ में आपको किसी भी प्रकार की नमकीन, पराठा वगैरह ये चीजें नहीं खानी चाहिए। किसी भी प्रकार के फल फ्रूट्स दूध के साथ में नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स सवेरे सवेरे खाएं, यदि आप सवेरे सवेरे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हो तो ड्राई फ्रूट्स के सेवन के साथ में आप दूध पी सकते हैं, लेकिन उसके 20 मिनट आधा घंटे बाद तक किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें या खट्टे फल या किसी भी प्रकार की नमकीन, पराठा वगैरह इनका सेवन नहीं करना चाहिए और न ही दूध के साथ में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। जहां तक सवाल है कि दूध सवेरे ज्यादा लाभप्रद है या शाम को ज्यादा लाभप्रद है, तो धन्वंतरी जी का सूत्र है, दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी
रात्रि के अंत में यानी सवेरे सवेरे पानी पीना चाहिए और दिन के अंत में दूध पीना चाहिए यानी शाम को दूध पीना चाहिए। शाम का दूध कैसा हो, या तो आप दूध में हल्दी डाल करके पिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि हल्दी नहीं डाल करके पीना आपको अच्छा लगता है तो हम एक पाउडर बता रहे हैं, वो पाउडर आप बना लें। 30 ग्राम सौंठ, 30 ग्राम जावित्री, 30 ग्राम जायफल, 20 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम इलायची, 100 ग्राम काली मिर्च, इन सब को कूट करके मिक्सर में पीस करके पाउडर बना लें और एक ग्लास दूध में आधा चम्मच टीस्पून हाफ टी स्पून वो पाउडर डाल करके और दूध को अच्छे से उबालें। जब दूध उबल जाए तो नीचे उतार करके उसमें आधा चम्मच एक चम्मच देसी गाय का घी डाल करके वो दूध पिएंगे तो वो दूध आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। आपको रात को नींद भी आराम से आएगी, थकान भी उतरेगी, आपकी इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग होगी और बहुत सारे फायदे आपको उस दूध से मिलेंगे। जहां तक सवाल है छोटे बच्चों का, तो यदि बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, किसी भी प्रकार का न तो कच्चा दूध और न ही गर्म दूध उनको पिलाना चाहिए, बाहर का दूध उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 2 साल की उम्र तक बच्चे को मदर्स फीड देना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने तक तो बिल्कुल प्योरली माँ के दूध पर ही निर्भर होना चाहिए बच्चा। 6 महीने के बाद उसको दूसरे पूरक आहार के साथ में जो है वो माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि केवल माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरेगा तो दूसरे पूरक आहार भी जो हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है वो पूरक आहार के साथ में उनको दूध पिलाइए। 2 साल के बाद बच्चों को कैसा दूध पिलाना, उसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिला करके पिलाना, क्योंकि आप जो ये बाजार के डिब्बा बंद जो आते हैं ना दूसरी चीजें है ना, बोर्नविटा वगैरह या दूसरी कोई भी चीज, वो किसी भी हालत में बच्चों को न दे, बच्चों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। किसी भी हालत में प्रोटीन पाउडर वगैरह बहुत सारी चीजें आती है तो रेडीमेड कुछ भी ना दें, घर में बनाएं। और घर में कौन कौन चीजों से आप वो पाउडर बना सकते हैं उसके लिए हमारा पूरा का पूरा वीडियो है। वो वीडियो मैं यहाँ पर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल रहा हूँ, आप उनको देखें उन वीडियोस को और उस तरह का पाउडर बना करके और बच्चों को दूध में डाल करके दें। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को किसी भी प्रकार का जूस ना पिलाएं। 5 साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार का जूस नहीं देना चाहिए, न रेडीमेड जूस न ताजा घर में बनाया हुआ जूस। बच्चों को फल खाना सिखाइए और फल खिलाइए। जिन फलों का आप जूस देना चाहते हैं उन बच्चों को वो उन फलों का जूस नहीं दे करके और फल खिलाइए, वो ज्यादा फायदा करेगा और किसी भी प्रकार के नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्लेन दूध कब्ज कारक होता है और कफ कारक होता है, इसलिए प्लेन दूध कभी भी नहीं पीना है। जो हमने मसाला बताया है वही डाल करके पिए या फिर दूध ना पिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दूध कफ कारक और कब्ज कारक होता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी दूध का उपयोग करते हैं या दूध पीते हैं तो वो सावधानी बरत सकें और दूध जो हमने बताया उस तरह का पाउडर बना करके और उस पाउडर के साथ में या हल्दी के साथ में दूध का सेवन करें और शाम के समय में दूध का सेवन करें। शाम के समय में दूध का सेवन करने से या दूध में रोटी चूर करके भी खा सकते हैं। यदि सवेरे आप जो है दूध नहीं पीते हैं और शाम को दूध पीते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विकल्प है। शाम के समय में दूध में रोटी चूर करके भी आप खा सकते हैं तो वो आपको एसिडिटी वगैरह सबसे बचाएगा। तो दूध शाम को ही पीना ज्यादा श्रेयस्कर है। धन्यवाद।